सुस्वागतम, नमस्कार। यू हैव ट्यून्ड टू फर्स्ट बॉर्न हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं स्पाइनल एनेस्थेशिया और उसके रिलेटेड बैक पेन के बारे में, जो काफ़ी लोगों को होता है कि भाई सी सेक्शन के टाइम पे स्पाइनल एनेस्थेशिया लेने की वजह से बैक पेन हमेशा के लिए रह जाता है। तो क्या ये सच है? क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके होते हैं? और इसके बारे में ही थोड़ी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। फर्स्ट बॉर्न फैमिली में जुड़ जाइए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। सो मोस्टली लोगों को ये चीज दिमाग में होती है कि स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया तो जिंदगी भर के लिए बैक पेन रह जाएगा। लेकिन बहुत सारे एनेस्थेशिया स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो MD किए हुए होते हैं और जो भी एनेस्थेशिया देते हैं, प्लस सब गायनेक डॉक्टर्स होते हैं, उन सबका ये कहना होता है कि स्पाइनल एनेस्थेशिया की वजह से बैक पेन नहीं होता। जी हाँ, स्पाइनल एनेस्थेशिया रीजन नहीं है जिंदगी भर सी सेक्शन के बाद बैक पेन होने का। इसके रीजंस कुछ और होते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा स्पाइनल एनेस्थेशिया के बारे में जानते हैं। तो सी सेक्शन के पहले या तो जनरल एनेस्थेशिया या तो स्पाइनल एनेस्थेशिया, दोनों चीजें दी जा सकती है। नॉर्मली स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया जाता है जो कि हमारी जो लोअर बैक है वहां पे दिया जाता है, और इससे हमारा जो कमर के नीचे का पार्ट है वो सुन हो जाता है, तो इसलिए ऑपरेशन का कुछ पता नहीं चलता है। अब ये जो स्पाइनल एनेस्थेशिया है ये कंप्लीटली सेफ है। क्या करते हैं कि वो लोग, एक छोटी सी नीडल होती है, बहुत ही पतली सी नीडल। तो मैंने एक वीडियो में डॉक्टर से सुना था कि जो नीडल से हमको ग्लूकोज वगैरह देते हैं, यहाँ पे जो नीडल लगाते हैं ना ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते टाइम पे, उससे भी पतली सुई होती है। तो इससे अगर बैक पेन होता तो फिर यहाँ पे जो हमको सुई लगाई जाती थी तो फिर यहाँ पे पेन क्यों नहीं होता? तो वही क्वेश्चन है कि ये स्पाइनल एनेस्थेशिया की वजह से नहीं होता। छोटी सी सुई है, और वो ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि जो करोड़ रज्जू है उसके ऊपर इंजेक्शन नहीं देते हैं। जो रीढ़ की हड्डी के नीचे कपाट, वो लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट लोकेट करते हैं, करोड़ रज्जू जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे, और वो पॉइंट लोकेट करके वहाँ पे ये स्पाइनल एनेस्थेशिया का इंजेक्शन दिया जाता है। पहले सुई ऐसे पास करते हैं और फिर वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू वो लोग एनेस्थेशिया डालते हैं। सो बेसिकली ये जो है, ऐसा नहीं है कि करोड़ रज्जू के ऊपर जो हड्डी है उसके ऊपर डायरेक्ट गया जिसकी वजह से आपको बैक पेन होगा। तो ये एक गलत मान्यता है। एक्चुअली जो बैक पेन होता है उसका रीजन होता है बैड पॉस्चर। सी सेक्शन के बाद नॉर्मली लेडीज जब भी बच्चे को फीडिंग करवाती है, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फीडिंग करवाते टाइम जब बच्चे को गलत तरीके से लेके बैठते हैं, उस चीज की वजह से ज्यादा बैक पेन का प्रॉब्लम होता है। नॉर्मली मैं बोलती हूँ कि क्या करना चाहिए कि आपको बैक को भी सपोर्ट देना चाहिए, और अपने जब भी आप बच्चे को लेके बैठते हैं हाथ में तो नीचे भी एक या दो तकिए अपनी हाइट के हिसाब से रखने चाहिए, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े। क्योंकि अगर इस तरीके से आप बारी बारी फीड करवाएंगे तो आपको बैक पेन का प्रॉब्लम होगा ही होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ राइट पॉस्चर। अभी दूसरी बात करते हैं कि आप सोचिए कि अगर कोई ऐसे बोलता है कि भी स्पाइनल एनेस्थेशिया की वजह से जिंदगी भर बैक पेन रह जाता है, तो उन लोगों को जिनको सी सेक्शन ना होके दूसरी कोई स्पाइनल सर्जरी या फिर कोई भी लोअर बैक की कोई सर्जरी करवाई है या और कोई सर्जरी जिसमें भी उनको दिया तो स्पाइनल एनेस्थेशिया ही जाता है, तो उन लोगों का तो कोई ऐसा उनकी कोई कंप्लेन नहीं होती कि हमको ये बैक पेन का प्रॉब्लम रह गया। सो बेसिकली अगर आपने अच्छे तरीके से आप बैठे नहीं, पॉस्चर मेंटेन नहीं किया तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन है कि अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो भी ये चीज़ हो सकती है, आपको पेन हो सकता है। तो आप अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे बात करिए, वो अगर आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह देते हैं तो आप ले सकते हैं। विटामिन डी की अगर कमी है उसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है, तो उसके लिए भी विटामिन डी की गोली आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। वो जो नॉर्मली गोली होती है वो थोड़ी भारी होती है, तो हफ्ते में जनरली एक बार लेनी होती है, सो यू कैन टेक इट विथ मिल्क। तो वो आप अपने डॉक्टर से बात करिए, वो शायद आपको सजेस्ट करेंगे। और बाकी आप सुबह का जो हल्का जो सनलाइट होता है वो आप ले सकते हैं, बहुत दोपहर में नहीं, बट सुबह सुबह शायद 9 से 10 बजे तक का, उसके पहले ले तो ज्यादा अच्छा है, बट इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा एक ये भी रीजन हो सकता है डॉक्टर के हिसाब से कि जो पेल्विक लिगामेंट्स है वो लूज हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो उसको नॉर्मल शेप में आने में समय लगता है, तो इसकी वजह से भी बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है जब तक वो अच्छे
तरीके से अपनी स्थिति में नहीं आ जाता। एक जो कारण मैं आपको बताती हूँ, कई बार क्या होता है कि सी सेक्शन के बाद अगर ऐसे ही किसी लेडी को बैक पेन का प्रॉब्लम रह जाता है तो उनके दिमाग में ये चीज फिक्स हो जाती है कि ये तो भी स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया था, इसकी वजह से मुझे बैक पेन रह रहा है। इसमें क्या होता है, कई बार जो कोई और रीजन होता है जिसकी वजह से शायद उनको बैक पेन हो रहा है, कोई और बड़ा सा प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो पता नहीं चलता है और उसको आप एकदम आराम से हल्के से लेते हो कि भाई ये तो स्पाइनल एनेस्थेशिया की वजह से दुख रहा है, बट कई बार इसका रीजन कोई और होता है। सो ऐसे टाइम पे जरूरी हो जाता है कि आपको अगर बहुत टाइम से बैक पेन हो रहा है तो आप जरूर से डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट रीजन है वो आपको पता होना जरूरी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर, फर्स्ट बॉर्न को सब्सक्राइब करेगा फर्स्ट बॉर्न हिंदी को, और प्लीज क्लिक करेगा बेल आइकन पे ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।